हेलो स्टूडेंट्स। तो कल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 के किए थे रियल नंबर के। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। इसमें भी 1 मार्क क्वेश्चन ही हम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 2, तो 2 इसका 0 है तो 2 रखने पे रिमाइंडर 0 आता है, यानी पी ऑफ 2 विल बी 0। तो 2 रखो तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k विल बी इक्वल टू क्या, 0। तो ये इधर हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। 4k प्लस k हो गया 5k, 6 को उधर भेज दो -6, तो k इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -6/5। ऑप्शन देखो -6/5, ऑप्शन डी। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका आपके, कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज, यहाँ पे 0 क्या है, -4 है, तो k की वैल्यू निकालनी है। सेम तरह का क्वेश्चन है, तो -4 इसमें पुट करो, तो k -1 के साथ में -4 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। फिर -4 पुट करने, -4k +1 इक्वल टू क्या, 0। सिंप्लीफाई करो तो 16k -16 -4k +1 इक्वल टू 0। तो बचा क्या, माइनस का 15, कौन कौन सा, ये -16 और +1 मिला के, -4k 16k में से गया तो 12k, तो 12k इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 15। तो k इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 15/12। देखो 3 से कट रहा होगा, 3 4 जा और 3 5 जा, 5/4। देखो क्वेश्चन में 5/4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका आपके, इफ -2 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देन हमें वैल्यू निकालनी है। तो बारी बारी से रखते हैं, ठीक है ना। तो पहले -2 रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर से -2 रखोगे तो a +1 और यहाँ पे -2 और +b इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इक्वेशन बनेगा, तो -2a -2 + b और इधर 4 था ये हमारे पास इक्वल टू 0। तो माइनस का 2a + b इक्वल टू क्या बनेगा, -2। ये इक्वेशन नंबर 1 बना। अब 3 रख करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस, यहाँ x में रखो 3 का स्क्वायर, और a+1 × 3 + b = 0। दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, 9 + 3a + 3 और + b = 0। यहाँ से क्या मिला, 3a + b = -12। ये इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो b से b कट जाएगा, -2a - 3a, और इधर मिलेगा -2 + 12। तो ये तो मिल गया हमें 10, और इधर -5a, तो a = -2, तो a = क्या आ गया, -2, a = -2। देखो एक इसमें है और एक इसमें है। अब b देखते हैं, a = -2 रखो, -2 इसमें रखोगे, a = -2 × -2 +4, तो b = आ गया -2, और इधर +4 इधर जा करके -6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6, यानी ऑप्शन सी ट्रू होगा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, कह रहा है एक जो है दूसरे का नेगेटिव है, मीन्स अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, यानी जब हम अल्फा प्लस बीटा जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ से -b सम ऑफ रूट्स, -b/a, a की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल रहा है कि b इक्वल टू तो 0 होगा। नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या मिलना चाहिए, c हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो c नेगेटिव मिलेगा और b 0 मिलेगा, तो b = 0 एंड c = नेगेटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं।
ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके। कह रहा है इफ द जीरोज आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आर इक्वल, अगर जीरोज इक्वल होंगे तो हमें पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। अब हमें पता है स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होगा यानी 4ac भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब ए एंड सी दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे, मीन्स सेम साइन के होंगे। तो इसमें देखो एग्जाम्पल आंसर ए एंड सी हैव द सेम साइन, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। करें द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बताना है किसका नेचर क्या होगा। तो हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, या सिंपली यहाँ से देख लो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एग्जाम माइनस के, और अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल रहा है, सी बाई ए, तो ये भी क्या मिल रहा है, दो नंबर जोड़ करके निगेटिव आएगा यानी, और दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब माइनस माइनस हो। देखो माइनस माइनस ऐड करोगे तो क्या मिलेगा माइनस, और जब माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा प्लस, तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रू होगा हमारा बोथ आर नेगेटिव, ये हो जाएगा। ठीक है, एक केस और बनता है देखो, जैसे एग्जाम्पल आ जाए माइनस टू और माइनस टू, तो देखो माइनस टू और माइनस टू ऐड करने पे माइनस फोर मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पे फोर मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू है कि दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आ रहा है कि बोथ आर इक्वल भी होंगे, तो अभी तो हम इस पे लगाएंगे बोथ आर निगेटिव क्योंकि कोई और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो जब अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सी बाई ए आता था, यहां से कट करके ये 1 आ गया, सी बाई ए मतलब सी इक्वल टू क्या मिल गया ए, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है के, और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो के इक्वल टू क्या मिल गया 3, कर लोगे, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, कर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए से ए कैंसिल यानी माइनस बी इक्वल टू क्या सी, माइनस बी की वैल्यू मतलब माइनस टू और सी की वैल्यू 3k, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2/3, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। इतनी चीजें आगे क्लियर हो गई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, एक मिनट देखो इधर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, 9 आ गया। करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा और बीटा दोनों इसके जीरोज हैं, यहाँ देखो थोड़ा मिस्टेक है ये हटा देना, देन अब देखो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो -6/2 यानी हो गया -3, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए -6/2, तो ये भी क्या आ गया -3। तो अब यहाँ पे देखो दोनों बराबर हो गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दो एक पॉलिनोमियल दिया है अल्फा बीटा इसके जीरो, अल्फा माइनस बीटा दिया, तो एक काम करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अल्फा माइनस बीटा हमें पता ही है अल्फा माइनस बीटा हमारे पास 1 है, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन, ये तो कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इक्वल टू 6 यानी अल्फा इक्वल टू 3, एक जीरोज तो यही मिल गया, अब बीटा दूसरा वाला जीरोज अल्फा 3, तो बीटा हो गया 2, तो ये दूसरा जीरोज मिल गया, अल्फा और बीटा हमें दोनों मिल गए। हमें पूछ रहा है सी की वैल्यू बताओ, अभी हमने देखा अल्फा इंटू बीटा यहाँ से मल्टीप्लाई सी बाई ए, तो सी अपान में 1, और अल्फा 1 3 है बीटा 2 है, 3 × 2 यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, ऑप्शन देखो इसमें 6, ये क्वेश्चन नंबर